हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिरेन कुमार फ्रॉम bkabstract.com और फ्रेंड्स आप सीख रहे हैं Adobe Illustrator CS6। और जो आज के इस लेसन में कवर करने वाले हैं वो कुछ चीज़ इस प्रकार है। कंपाउंड पाथ का यूज़ करेंगे, क्लिपिंग मास्क का यूज़ करेंगे, ड्रॉप शैडो, बैकग्राउंड कलर सेटअप, यूज़र इंटरफेस सेटअप, यानी कि ये दोनों चीज़ें हैं, इनमें दोनों में कलर का सेटअप करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे फिल करना है और आपका जो पूरा यूज़र इंटरफेस होता है इसका कलर अपने हिसाब से कैसे हमें सही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और इसको हम अनटाइटल रहने देते हैं या कुछ भी आप दे सकते हैं। चलिए इसको दे रहे हैं Adobe 07। ओके, ऐसे करके मैंने नाम दे दिया और इस का जो विड्थ है मैं ले रहा हूँ 1280px और 720। और यहाँ पे यूनिट्स जो है वो पिक्सल में रखते हैं और इसको हम इसका ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप करते हैं। और देन हम यहाँ पे याद रखें कि कलर मोड जो है वो RGB होना चाहिए, रास्टर इफेक्ट जो है स्क्रीन 72 BPI होना चाहिए। देन ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज ओपन करते हैं। आप कोई भी एक इमेज ले लीजिए। सो जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए, इमेज को ओपन करना है तो डायरेक्टली इमेज पर राइट क्लिक करिए और इसको ओपन विद कर सकते हैं, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी अंदर डबल क्लिक करके इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये तरीके होते हैं। तो हम इसको लाएंगे इस पर और इसका सेटअप करेंगे। ओके, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, सही है। यस, यहाँ पे ले आए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमें साइड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें बेज का पोर्शन चाहिए। इसके लिए अब यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे हम पॉलीगॉन टूल लेते हैं और पॉलीगॉन टूल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखिए, अगर आपको इसको रोटेट करना है तो राइट क्लिक करके आप ट्रांसफॉर्म पे आ सकते हैं और यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ से जितना भी रोटेट करना चाहे, 120 भी मैं कर रहा हूँ, 190 पे करना चाहते हैं तो आप 190 पे करेंगे और इसका यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो 190 पे ऐसा आएगा तो हम इसको 120 डिग्री पे करेंगे और इसका प्रीव्यू आप खुद देखेंगे, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ओके किया मैंने। अब इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो ऑल्ट को होल्ड करेंगे और उसके साथ में इसको ड्रैग करेंगे, ऐसे करके इसकी डुप्लीकेट हम रेडी कर देते हैं और थोड़ी बहुत स्पेस बीच में देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। और सेम यहाँ पे भी काम वही करते हैं, इसको होल्ड करते हुए ले जाएंगे और यहाँ पे जिस प्रकार से मैं स्पेसिंग की नीड है उस तरीके से यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और फिर से एक ड्रॉ करेंगे, इसी को ले लिया मैंने। आप कोई उठा सकते हैं ग्लोब बगल से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं उठा रहा हूँ जैसे कॉपी कर रहा हूँ आप वैसे करिए। सो ये देखिए आपका हो चुका है, नीचे कुछ स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है। सो ओके, अब हमें क्या करना है, हम सबको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इसको कंपाउंड पाथ करेंगे और इसको मेक कर देंगे। इससे क्या हो गया, ये एक तरीके से ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, अब इधर उधर नहीं भगेगा। अब पूरे को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, या आप ऐसे ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करेंगे, इसको मेक कर देंगे। तो ये देखिए आपका क्लिपिंग मास्क जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें ड्रॉप शैडो देना है। देखिए हमने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ कर ली हैं, कंपाउंड पाथ, क्लिपिंग मास्क, हमारा ड्रॉप शैडो बचता है और बैकग्राउंड कलर सेटअप और यूज़र इंटरफेस। सो अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें ड्रॉप शैडो डालनी है हमें। तो ड्रॉप शैडो के लिए हम यहाँ पे इफेक्ट में आएंगे और इफेक्ट में आने के बाद में स्टाइलाइज पे आएंगे और यहाँ पे ड्रॉप शैडो करते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप शैडो का प्रीव्यू देख सकते हैं आप कैसा आ रहा है। तो ये देखिए ऐसा प्रीव्यू आ रहा है। ओपेसिटी कितनी कम ज़्यादा का वहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस का स्क्रॉल से आप माउस के जो स्क्रॉल बटन है उसको ऊपर नीचे करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, या आप मैन्युअली करना चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैं आपको स्क्रॉल सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रॉल करें, स्क्रॉल बेस्ट होता है, आपको प्रीव्यू भी दिखाता रहेगा और अपने हिसाब से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। आपको ब्लर कितना करना है उतना ब्लर रख सकते हैं, ऑफसेट कितना होना चाहिए, सो ऐसे करके आप ऑफसेट भी दे सकते हैं। ओके, तो मैंने इतना रेडी किया हुआ, ओके किया। अब कुछ ऐसे ड्रॉप सेट हो, अभी समझ में नहीं आएगी, अभी थोड़ी देर बाद आएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रोक डालते हैं। स्ट्रोक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे ना मिले तो आप विंडो में आइए और विंडो में आपको स्ट्रोक मिल जाएगा लास्ट में, ये देखिए। तो अब यहाँ स्ट्रोक पे आएँ
और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे अभी इसका जो स्ट्रोक कलर है इस तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी सारी। सो देखिए यहाँ पे आ चुकी है और इसको हम 5px PT करेंगे और इसका कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है यहाँ से हम वाइट करते हैं। ये तो फिल वाला कलर आ रहा है हमारा, हमें इसका करना है आउटलाइन का। सो ये आउटलाइन का वाइट कलर हो गया। अभी समझ में नहीं आएगा, अब देखिए कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा जो है ये बैकग्राउंड फिल वाला है और ये हमारा आउटलाइन का है। और स्ट्रोक यहाँ से हम डाल सकते हैं और इसकी स्टाइल भी दे सकते हैं आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से, बट मैंने सिंपल से यहाँ पे स्ट्रोक यूज़ किया हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके बाद में हमें ग्रेडियंट यूज़ करना है, यानी कलर का सेटअप कैसे करना। मान लो बैकग्राउंड में हम दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप में आएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप में आने के बाद में आप यहाँ पे ये वाला कलर चेंज करेंगे, आप जो भी कलर देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये कलर देना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके करेंगे और देन ओके कर देंगे। तो देखिए ये कलर अपने आप आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। बट हमें ये कलर यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, हमें ये कलर यहाँ पे नहीं यूज़ करना है। अब हमें इसका यूज़र इंटरफेस की बात की थी, तो यूज़र इंटरफेस के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यूज़र इंटरफेस पे आएंगे। अब देखिए हमें इसका कैसा क्या कलर लेना है, ये जो पूरा यूज़र इंटरफेस आपका ये कहलाता है, जो पूरा आपकी विंडो ओपन है, इसका कैसा क्या कलर होना चाहिए। तो ये देखिए पूरी विंडो का कलर वाइट होगा, पूरे में फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा आपको चाहिए वैसा रखिए, आपको पूरी वाइट चाहिए तो आप पूरे वाइट पे करिए। सो जैसा आपको चाहिए यहाँ पे ये कर सकते हैं। और यहाँ पे कई ऑप्शन हैं, आप मीडियम में रखना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, मीडियम डार्क रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे आप डार्क ही रहने दें, ये डार्क बेस्ट होता है। सो ओके कर देंगे। अब इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, बट मैंने कोई सेटअप यहाँ पे नहीं किया हुआ, मेरा नॉर्मल है और आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड को चेंज करने की, यहाँ पे बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें। तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था डॉक्यूमेंट सेटअप से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट अब मैं आपको यहाँ बताने वाला ग्रेडियंट फिल करना है सपोज दैट, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ही रेक्टेंगल टूल का यूज़ करिए और इसको जस्ट ड्रैग करिए, इस पर करते हैं ग्रेडियंट ही टूल डालना है हमें, इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसा आ चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब ऐसा आएगा तो फिर ग्रेडियंट पे आएंगे हम और यहाँ पे लाइनियर की जगह रेडियल कर देंगे, ठीक है जी, रेडियल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनको डिलीट कर देंगे, बहुत सारा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मैटर रखेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, देखिए अपने आप यहाँ पे ब्लैक हो जाता है। और यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको डार्क रेड में लेते हैं, ठीक है जी। और इसको सेकंड वाले को सेलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको लाइट रेड में लेते हैं। सो देखिए फिर पहले ऐसा आ गया, कोई इशू नहीं। अब इसमें भी वही काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और सेंड इट बैक कर देंगे। तो देखिए ये आपका रेडी हो चुका है और यहाँ पे भी इसकी आउटलाइन जो है 5PT हो गई थी, साथ में शायद सिलेक्शन इसका भी बन गया था, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ये भी सेफ लिया मैंने, तो स्वाभाविक है कि ये भी बन जाएगा। इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और 0PT कर देंगे तो ये हट जाएगा। बट अगर देखा जाए तो बेस्ट लग रहा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, तो हम इसको भी 5PT रहने देंगे। और आप बढ़ाना चाहते हो 10PT भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपका रेडी हो चुका है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करने की पूरी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स।